बेसिकली कितने इंग्रेडिएंट ये देख लीजिए जरा, आइटम होते हैं बादाम से लदा जा रहा है इसको, मतलब फुल ये देख लीजिए बादाम है जो, मतलब मज़ा ही आ जाएगा यार ये खा के। तो ये देख लीजिए जनाब, ये चला गया देसी घी में डिप हो के, ओ माय गॉड आप देख लीजिए कितना चमक रहा है ये। तो लीजिए जनाब अब हम जा रहे हैं हाजी नदीम जी का शाही शीरमल खाने, और वहाँ पे लिखा है आपकी खिदमत में मेरठ का मशहूर तोहफा। तो चलते हैं इनका शीरमल टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि बनता कैसे है और कैसा है इनका टेस्ट। आप देख सकते हैं पहले ही बहुत शीरमल बने हुए पड़े हैं। ये है हाजी नदीम जी और अभी देखते हैं कि ये बनता कैसे है और आपको करके दिखाते हैं इसकी टेस्टिंग। ये है हाजी नदीम जी, हम इनसे अब बात कर लेते हैं। सर पहले तो हम रेट के बारे में बात कर लें कि कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक का शीरमल मिलता है यहाँ? यहाँ पर मिलता है 30 रुपीज से लेकर के 30 रुपए से लेकर 40, 50, 70, 100 और इधर 200 और 300 और ये 500 रुपए का मिलता है। मतलब 30 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का शीरमल यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब हर बजट के लिए शीरमल अवेलेबल है सर। और आप हमें डिलीवरी का बता दो। डिलीवरी इंडिया में कहीं भी करा सकते हैं, इंडिया में कुरियर के द्वारा जाती है, मतलब ये खराब नहीं होता, एक महीने भी खराब नहीं होता है भाई। ये तो नई बात सुनी, किसी फूड आइटम की डिलीवरी, मतलब बनी बनाई फूड आइटम की एक महीने से ऊपर की गारंटी और ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, इनका व्हाट्सएप का नंबर और इनका मोबाइल नंबर, तो वहाँ पे या तो आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या इनसे आप कॉल पे बात करके इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे दिल्ली में तो अवेलेबल है ही, पर पूरे इंडिया में अवेलेबिलिटी है शीरमल की। तो अभी देखते हैं कि शीरमल बनता कैसे है, तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे बनता है शीरमल। तो अभी बनने वाला है शीरमल, ये इनका स्पेशल आटा है, 70 रुपए वाला शीरमल बनने वाला है। सर ये मतलब शीरमल है जो, ये इसमें जो आटा है ये इसमें क्या क्या डलता है? इसमें काफी सारे आइटम मिलते हैं, मैदा, चीनी, बेसन, घी, दूध, बादाम, मतलब बेसिकली कितने इंग्रेडिएंट ये देख लीजिए जरा। बादाम से लदा जा रहा है इसको, मतलब फुल ये देख लीजिए बादाम है जो, मतलब मज़ा ही आ जाएगा यार ये खा के। ये आप देख सकते हैं सर ये किसके लिए है? ताकि ये फूले ना, नहीं तो तंदूर में फूल के नीचे गिर जाएगा, तंदूर में फूल के नीचे गिर जाएगा, इसलिए इसमें छेद किए जा रहे हैं। और सर ये आपका स्पेशल तंदूर है जी भाई, स्टील का होता है, बाहर से अंदर से लोहे का होता है। ओके, बाहर से स्टील का अंदर से लोहे का स्पेशल। सर 100 रुपये वाला लगा दीजिए जो शीरमल है। 100 रुपये वाले में और 70 रुपये वाले में फ़र्क क्या है? 100 वाले में फालतू हो जाता है पिस्ता, पिस्ता ऐड हो जाता है, पिस्ते का पाउडर जी भाई। ये पानी लगा के और फिर से अच्छे से चिपक जाए, अच्छे से चिपक जाए, इसीलिए पानी लगाते हैं ये। तो ये देख लीजिए पिस्ते का पाउडर लग गया है, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है यार। तरीका देख लो आप, मतलब अनुज को भी तरीका पसंद आ गया है। बादाम, पिस्ता, काजू भी है इसमें ना, काजू। देख लीजिए मज़ेदार शीरमल लगने जा रहा है, सीधा तंदूर में। लो जी तंदूर में जाने के लिए रेडी हमारा शीरमल। ये ऊपर थोड़ा पानी डाल के और ये अंदर जाने के लिए रेडी। लो जी वो लग गया हमारा शीरमल। सर इसको पकने में कितना टाइम लगता है? इसको पकने में 2 मिनट लगते हैं सर, 2 मिनट लग जाते हैं पकने में। ठीक है, ये दूसरा शीरमल भी अंदर जा रहा है हमारा। लो जी दोनों शीरमल गए। इसके बाद ये सर क्या है? देसी घी है। तो लीजिए जनाब ये जो शीरमल है ये इसके बाद नहाने वाले हैं देसी घी में। ये पूरा टब देसी घी का और इसमें नहाने वाले हैं, जो ये दो शीरमल लगे हैं ना अंदर वो इसमें मतलब नहाने वाले हैं। अब घी से नहलाया जाएगा इनको, तो दिखाते हैं अभी घी में डाल के
इनका क्या होता है, दो मिनट लगेंगे अभी इसको पकने को, और देखते हैं अभी शीरमल घी के अंदर यार मज़ा ही आ जाएगा खा के आज तो। तो ये देख लीजिए जनाब, ये चला गया देसी घी में डिप हो के। ओ माय गॉड, आप देख रहे कितना चमक रहा है ये भाई। और ऐसी बात नहीं है, आपको खिलाकर भी दिखाएंगे। वो तो खाएंगे ही सर, अगर डिप किया तो खाएंगे। देसी घी तो हमारी फेवरेट है पंजाबियों की। आपको देसी घी है या नहीं? हाँ मतलब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि सच में ये देसी घी है, क्योंकि कई लोग जो है वो रिफाइंड ऑयल में करते हैं, पर देखते हैं अभी ये देसी घी है कि नहीं। वैसे नदीम जी पे मेरे को विश्वास है, बाकी हम देख लेते हैं अभी देसी घी का शीरमल कैसे लगता है। ये देख लीजिए जनाब, सारे ही शीरमल देसी घी में डूब के, मतलब लीक हो रहा है घी, इतना ज़्यादा डूबो दिया है ना, लीक हो रहा है घी उसमें से। तो चलिए अब करते हैं नान खटाई और शीरमल की टेस्टिंग। ये देख लो आप ही सर, डिस्क्रिप्शन दे दो भी ये कितने वाला है और इसमें क्या क्या लगा है। 200 वाला है, फुल ड्राई फ्रूट्स होता है, काजू बादाम पिस्ता अखरोट और अंजीर। अंजीर मतलब ये 200 रुपए वाला है। ये इस वाली भट्टी में सिकता है, भट्टी में पकता है, इस बाद देसी घी में डिप होता है, विद प्लेट मिलता है। ओके, प्लेट के साथ ही पैक होकर मिलता है, गिफ्ट आइटम। हां गिफ्ट आइटम है ये भाई साहब, मतलब ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। 200 रुपए मेरे को तो यार कम ही लग रहे हैं, सही बताऊं तो इतना जितना बड़ा है ना, 200 रुपए तो बहुत कम लग रहे हैं। यहाँ पे आपको शीरमल ही नहीं, यहाँ पे आपको सर कितने कितने तरह की नान खटाई है? तीन तरह की नान खटाई भी मिलती है। जैसे प्लेन वाली 240 रुपए किलो, 240 रुपए किलो। काजू बादाम पिस्ता मूंग की दाल देसी की 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। और काजू वाली काजू मूंग की दाल 300 रुपए किलो, काजू और मूंग की दाल 300 रुपए किलो। ये आप तीन वैरायटी जो ये है मेन्यू, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो इनके मोबाइल नंबर हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इंडिया में बैठे बैठे कहीं भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रांच इनकी नहीं है, पर ये जो दुकान है ना सबसे फेमस है। किसी को भी आप जामा मस्जिद आके हाजी नदीम जी के बारे में पूछेंगे तो यहाँ पे आप खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे शीरमल रेडी हैं, तो अब करते हैं इनकी टेस्टिंग। एक सर पीछे बैठ के बना रहे हैं, 500 रुपए वाला शीरमल आप देख सकते हैं। अभी ये ड्राई फ्रूट पड़े हैं, ये देख लीजिए फ्रेश देसी घी भी डल गया। सर ये देसी घी आप खुद ही बनाते हैं? हम अपना भी बनाते हैं देसी। ये देख लीजिए भाई, ड्रम है देसी घी, हो गया 2-4 दिन में बनाएंगे। मतलब ये एक ड्रम ये कितने लीटर का है? सत्तर लीटर का कितने दिन चल जाता है? ये 10 दिन चलता है। मतलब 70 लीटर घी 10 दिन, भाई घर में तो मतलब ये पूरा जन्म चला लो चाहे इतनी घी। मतलब 70 लीटर घी 10 दिन में, घी से लथपथ शीरमल करते हैं अब टेस्ट। गर्म बहुत है और टेस्टिंग का टाइम आ गया है। तो सीट मैंने यहाँ पे लगा ली है, वैसे अलाउड तो नहीं है किसी को, पर हम ब्लॉगर हैं तो थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो अब करते हैं, आप पहले क्लोजअप देख लीजिए, अंदर से अंदर तक घी चला गया एंड कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब करता हूँ मैं इसको टेस्ट। भाई आप देख लो, मतलब घी ही घी है इसमें। मजा आ गया यार, क्या टेस्ट है। मतलब ऐसी चीज कभी खाई नहीं मैंने जिंदगी में, फर्स्ट टाइम मैं शीरमल ट्राई कर रहा हूँ। क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार। अनुज टेस्ट, अनुज की हवा टाइट हुई पड़ी है खा करके, पर ब्लॉग के लिए थोड़ा तो यार खा ले। अरे बाइट मार लेना एक बाइट। नशा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आओ देसी घी का शीरमल खाओ, नशे अपने आप हो जाने हैं। ये देख लो सर देसी घी जी, देसी घी। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया ही यार, अगर ऑल ओवर इंडिया आप शीरमल की वो लेना चाहते हैं डिलीवरी, तो नंबर आपको पीछे वीडियो में मिल गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नंबर पीछे आपने वीडियो में नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डिटेल सब सारी डिटेल्स एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा, तो यहाँ पे आइए। हाँ भाई ये और बोल दो, एक महीने में आप नहीं हो रहे। ये देखिए इनकी नान खटाई भी है, ये है काजू वाली और ये है पिस्ते वाली नान खटाई, तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं।
मतलब यार सॉफ्ट ही इतनी है कि थोड़ी सी मतलब पूरी चूर चूरी होगी, इतनी सॉफ्ट नान खटाई। ये भी देसी घी है ना, इसमें भी देसी घी का फुल फ्लेवर है। मतलब जामा मस्जिद जो आ गया, एक तो भूखा नहीं जाएगा और दूसरी बात जामा मस्जिद में जाके दर्शन भी कीजिए, बहुत बढ़िया जगह है। दिल खुश हो जाएगा खाना खा के और दर्शन करके। बाकी तीन चार जगह मैंने आपको दिखा दी है, और अगर आप जामा मस्जिद की और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट में जरूर बताइए कि सारी जामा मस्जिद वाली सीरीज आपको कैसे लगी। सो बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर ले, अनुज को भी फॉलो कर ले एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, प्लीज़ विजिट हाजी नदीम शीरमल शॉप। सो बाय।